कमेंट सेक्शन पर ओम शांति जरूर लिखेगा। बेहद ही दुखद समाचार सामने आ रही है, जहां पर 32 वर्ष राजीव की जो है वो जान चली गई है और परिवार का ये कहना है कि टैंकर के द्वारा उसे हिट किया गया है। और इस समय हम जम्मू के जीएमसी मॉर्चरी में मौजूद हैं। हालांकि शव को यहां पर लाया गया है और पूरी तरीके से पोस्टमार्टम भी किया गया है और शव को इस समय जो है वो घर लेके लिया जा रहा है। लेकिन इस समय परिवार की बात करें तो परिवार काफी ज्यादा इस समय जो है वो दुखद हालात में है। परिवार पे काफी ज्यादा इस समय बीत रही है क्योंकि 32 वर्ष का राजीव जो कि टैंकर ने उसे हिट किया और उसकी जान चली गई। आपको बता दें कि वाकया जो है वो सिद्रा में पेश आया है। तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगी, आप ये साफ तौर पर तस्वीर देख सकते हैं। ये व्यक्ति जिनकी जिन्होंने अपने पीछे जो है वो एक बच्चा छोड़ दिया है, 4 साल का इनका बच्चा है और इनकी बीवी जो कि इस समय प्रेग्नेंट है। और ये राजीव बेहद ही दुखद समाचार है। कमेंट सेक्शन पर ओम शांति जरूर लिखेगा। और इनके परिवार का कहना है कि इन्हें जो है यानी कि टैंकर के द्वारा जो है वो हिट किया गया है और बेहद ही दुखद समाचार है। जम्मू के मॉर्चरी में शव को लाया गया और शव को जो है वो इस समय घर जो है वो लेके जा रही है और पिता इस समय यहाँ पर मौजूद है। परिवार का बेहद ही बुरा हाल है, परिवार का रो रो के बेहद ही बुरा हाल है और इस समय परिवार जो है वो गम के साए में डूबा हुआ है क्योंकि 32 वर्ष का ये राजीव जो कि घर का एक लौता था, कमाने वाला सिर्फ जो था वो एक लौता था। पिताजी से बातचीत करने की छोटी सी कोशिश करेंगे लेकिन इस समय परिवार जो है वो बेहद ही इस समय गम के साए में है। पहाड़ टूट पड़ा है परिवार पे क्योंकि राजीव जो कि केवल घर का इकलौता था, कमाने वाला, बेहद ही दुखद समाचार है। कमेंट सेक्शन पर ओम शांति जरूर लिखिएगा। पिताजी इस समय मौजूद है। देखिए पिताजी की हालात बेहद ही खराब है क्योंकि परिवार का एक ही शख्स था, एक ही व्यक्ति था जो कमाता था परिवार को, परिवार के लिए जो है वो रोजी रोटी जो है वो कमाता था। लेकिन देखिए जो एक कहा जाए कि परिवार का पिलर था, वही पिलर जो है वो घर से उखड़ चुका है। बेहद ही दुखद समाचार है। सर कैसे क्या हुआ? हम पुल पे काम कर रहे थे, पीछे से एक टैंकर आया, टैंकर पीछे हमारी गाड़ी को टक्कर मार दी और हमारी गाड़ी जो हुई थी हमारी बेटे से टकराई, बेटा तभी में गिर गया। एक टांग कट के ऊपर रह गई, ये तभी में गिर गया। टांग अलग हो गई, पुल पे रह गई। इतनी जोर से टैंकर ने टक्कर मारी कि टांग अलग हो गई, मतलब बॉडी के पार्ट अलग हो गए। अलग हो गया, टांग को पुल पे रह गई, ये नीचे गिर गया। हाँ तभी मैं क्या मांग कर रही है, क्या मांग करूँगा मैं? बच्चा तो मेरा चला गया, मैं क्या मांग करूँगा, मैं क्या मांगूँगा? एक बच्चा था छोटा सा रह गया है 4 साल का घर में, बीबी इसके और बच्चा होने वाली है, वो भी 15-20 दिन में वह क्या करेगी बेचारी, कोई कौन कमा के खिलाएगा, कहाँ जाएगी बेचारी, मैं बूढ़ा कहाँ से कमा के खिलाऊंगा उनको। वो एक ईटा था कमाने के लिए। कितने बच्चे हैं? दो ही बच्चे थे, एक लड़की है, उसकी शादी हो गई है। ये राजीव बड़ा था? बड़ा था, हाँ ये बड़ा था, लड़की छोटी थी। इनका बच्चा छोटा सा है? ना छोटा, 4 साल का। अभी उसको नहीं पता मेरे पापू कहाँ गया, घर जाएगा मैं पूछूंगा मेरे पापू कहाँ गया, कहाँ गया है, कहाँ गया मेरा। जिनके साथ आप काम करते हैं उनके पास अभी कोई नहीं आया, जब वो म्यूनसिपाली वाले काम करते हैं उनके जहाँ कोई पता पा जाए, अभी तो रात को कोई इधर कोई नहीं आया, रात के 12:30 बजे 2 बजे हम पड़े गए। हम सुबह से कितने बजे आए थे आप यहाँ पे? रात को आए थे हम, 2:30 बजे। तब से कोई भी नहीं आया? तब से कोई नहीं आया अभी, कोई नहीं आया रात से लेकर अभी तक कोई नहीं आया। हाँ जिनके लिए काम करते हैं वो भी अभी हर जगह को नहीं पहुँचा। सफाई वाले सफाई कर्मचारी सफाई करते हैं बस, और कोई नहीं, सफाई वाले मर रहे हैं जी रहे हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है, उनको सफाई चाहिए बस। सफाई वाले नहीं चाहिए, जीवित चाहिए या मर गया है। समय पिता की बेहद ही
आप हालात देख सकते हैं कि पिताजी के क्या कुछ हालात है। परिवार इस समय गम के साए में डूबा हुआ है, क्योंकि परिवार का कमाने वाला सिर्फ एक ही सदस्य था और वो भी जो है उसकी जान चली गई। परिवार के और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर कैसे क्या हो गया है? देखिए मैडम, ये घर से 8:30 बजे निकले थे काम के सिलसिले में, जो कंपनी के साथ ये काम करते थे, तो उन्होंने इनको लेकर चले गए जैसे सफाई करने के लिए पुल के ऊपर, ये अपना बत्रा पुल जो है। तो हमें सुबह ही सूचना मिली है कि रात को 12:45 के करीब इनका एक एक्सीडेंट होता है कि टैंकर आता है, ये सफाई कर रहे होते हैं वहाँ पे, तो पीछे से टैंकर आता है। वो लोड था क्या, ड्राइवर ने कोई ड्रिंक वगैरह किया था या क्या किया था, ये हमसे बेहतर ड्राइवर को पता होगा। तो उसने इतनी जोर से हिट किया है लड़के को कि उसकी जो टांग है ना वो ऊपर रह गई, और बच्चा जो है जो ये 32 वर्षीय राजीव, ये पुल से नीचे गिर गया और इसकी वहीं पर ही डेथ हो चुकी है, हो गई। तो जब हमें पता चला कि अभी तक सुबह से यहाँ मुझे भी आए हुए 3-4 घंटे हो चुके हैं, यहाँ पे कोई बंदा नहीं आया है, ना तो इनकी कंपनी का कोई बंदा आया है, ना जेएमसी वाले आए हैं, और ना ही उस ट्रक ड्राइवर का जहाँ जिसका वो ट्रक था उनके यहाँ से कोई इनको आकर किसी ने आश्वासन दिया हो कि हम आपके साथ हैं, कोई किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस से हमने पूछा कि आपने अरेस्ट किया है, उन्होंने कहा जी हमने अरेस्ट किया है। जब दूसरी बार हमने कहा वो कहाँ है, बोले इंजर्ड है। मैंने कहा कहाँ, उन्होंने कहा हॉस्पिटल में, हम देखने गए हमें वहाँ कोई नहीं दिखा जिसने टक्कर मारी। हाँ, जिसने टक्कर मारी। मैंने कहा अगर इंजर्ड है तो कम से कम आपके 2 बंदे उसके पास होने चाहिए कि अंदर चले ना जाए। नहीं, हमने कार्रवाई की है, FIR कर दी है, तो सारे काम हो जाएगा। मैंने कहा जब तक इसके पास कोई नहीं आएगा हम यहाँ से लाश लेके नहीं जाएंगे, तो तब से हम यहीं वेट कर रहे हैं कि कोई आए और इसको, आप अगर आप देखना चाहते हैं तो अब पोस्टमार्टम हो चुका है और उसकी डेड बॉडी जो है वो बाइक की इधर ही पड़ी है अभी, और मैं मेरी ही वार्ड का है ये। मुझे एक बात बताइए कि जब शव को लाया गया तब ट्रक वाला वहीं पर था? जी, वो ट्रक वाला वहीं पर ही था उस वक्त, क्योंकि मैंने ये देखा नहीं, ये उसके पेरेंट्स जो घर वाले थे उन्होंने बताया हमने कि हाँ वो वहीं पर था, तो अब वो कहाँ है हम नहीं जानते। तो जब भी हम पूछते हैं कि पुलिस वाले को, हमने पूछा कि वो कहाँ पे, उन्होंने कहा इंजर्ड है। हमने कहा चलो हम देखते हैं, हमें नहीं दिखा, अब कह रहे हैं कि हमने उसको छोड़ दिया। अब क्यों छोड़ दिया, किस बेस पे छोड़ दिया, ये हमें नहीं। क्या मांग कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि जैसे अब बच्चा तो वापस आएगा नहीं, इसका छोटा सा 4 साल का बेटा है और इसकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है, माँ इसकी जो है वो बीमार है, हम चाहते हैं कि इतना हो सके कि ताकि उसको इसकी भरपाई जो मिल सके उनको, ताकि वो किसी के बलबूते पे ना रहे। हम सरकार से यही अपील करते हैं, और जिन्होंने ये हादसा किया है उनके ऊपर भी हम यही कहते हैं कि आप कम से कम इनको इतना सहारा दे सको ताकि वो किसी के आगे हाथ ना फैलाए, क्योंकि ये गरीब आदमी है, तो सारे गरीब हैं लेकिन ये ज़्यादा ही गरीब है जो 11 रात को 12 बजे काम करने जा रहे हैं। सोचो कितनी प्रॉब्लम होगी, माँ इसकी बीमार, बीबी प्रेग्नेंट, बाप की हालत आपने देख ली, अब ये क्या कमाई करेगा बेचारा, ये तो खुद सदमे से इसकी बुरी हाल हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से मैडम यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इनकी भरपाई हो सके, क्योंकि बेटा तो वापस आएगा नहीं। कंपनसेशन की यहाँ पर जो है वो मांग की जा रही है, और आप देखिए परिवार का इस समय बेहद ही बुरा हाल है, दुख के साए में परिवार है, क्योंकि बड़ा बेटा, घर का बड़ा बेटा, मैंने पहले भी कहा कि पिलर जो है वो घर का उखड़ चुका है। देखिए बेहद ही दुखद समाचार है। पिताजी की हालात क्या कुछ है, आप देखिए परिवार जो है वो कंपनसेशन की मांग कर रहा है, हालांकि बेटा तो वापस आ नहीं सकता है, लेकिन देखिए कंपनसेशन की यहाँ पर जो है वो मांग की जा रही है। गरीब परिवार है, और देखिए पिताजी का हालात क्या कुछ है, परिवार के हालात क्या कुछ है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जब एक घर का वो सदस्य जो कमाता हो, घर का पिलर हो, वही उखड़ जाए, उसकी ही जान चले जाए, तो आप सोच सकते हैं कि परिवार पे क्या बीतेगी और परिवार किस प्रकार से जो है वो अपना गुजर बसर करेगा। जहाँ पर कंपनसेशन की जो है वो मांग की जा रही है, देखिए तस्वीर में फिर दिखाना चाहूंगी कि पिताजी की हालात क्या कुछ है। बेहद ही दुखद समाचार है। कमेंट सेक्शन पर ओम शांति जरूर लिखेगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि राजीव को जो है वो इंसाफ मिल सके। राजीव अपना काम कर रहा था सिद्रा पे, और वहीं पर टैंकर उसे जो है वो टक्कर, यानी कि टैंकर से वो हिट होता है, टैंकर उसे हिट करता है और ऑन स्पॉट उनकी मृत्यु होती है। और मृत्यु भी इस प्रकार से होती है कि उनके जो बॉडी पार्ट है वो अलग होते हैं, और पुल से उनका जो है, पुल के नीचे से उनका जो है वो शव मिलता है, और जो बॉडी का पार्ट है वो पुल पर होता है। देखिए किस प्रकार से मृत्यु हुई है, दर्दनाक मृत्यु हुई है। तो राजीव को इंसाफ मिल सके, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन पर ओम शांति भी जरूर लिखिएगा। कैमरा पर्सन शमी थापर के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।